रुक करेंगे अब खबरों की ओर। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने सबसे पहले मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्रवाई को चलने दें, बिना शोरगुल और व्यवधान के चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार सदन में आए युवा सांसदों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम अधिक से अधिक अवसर दें और चर्चाओं में भागीदारी बनाएं। ने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है।